हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित चक्रवर्ती। आई एम हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट। आज एक हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, क्या तंबाकू का सेवन करने से कौन कौन सा कैंसर हो सकता है? एडिक्शन ऑफ टोबैको लीड्स टू व्हाट ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कैंसर? काफ़ी पेशेंट्स के मन में रहता है कि सर, सिर्फ तंबाकू का सेवन करने से मुंह का ही कैंसर होता है। ये एब्सोल्युटली गलत है। मुंह का तो कैंसर डेफिनेटली होता ही है, लेकिन उनको थ्रोट यानी वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है, पोस्ट क्रिकॉइड मीन्स अन्न नली के ऊपर के पार्ट का कैंसर हो सकता है, फुसफुस यानी लंग्स का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, पैनक्रियास का कैंसर हो सकता है और किडनी कैंसर हो सकता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। जब आप ये लिस्ट देखोगे तो आप बोलोगे सर, इसमें तो ऑलमोस्ट 60% कैंसर जो हमारे बॉडी में हो सकता है ये लिस्ट में आ रहा है। तो इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको निकोटीन या तंबाकू का जो कंजम्पशन है धीरे धीरे कम करके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ मुँह का ही कैंसर नहीं होता है, बाकी कैंसर का भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। या आप कंजम्पशन कर रहे होंगे तो अब अपने आप को डॉक्टर के साथ संपर्क में रख के कंटिन्यूसली स्क्रीनिंग में रहिए, ताकि कुछ भी चेंजेस आए या अर्ली साइन हुआ तो इमीजिएटली डिटेक्ट होके फर्स्ट स्टेज में ही आपका काम हो जाए, ताकि यू आर एब्सोल्युटली क्योर ऑफ दैट कैंसर। बट माय सिंसियर एडवाइस टू यू, स्टॉप स्मोकिंग, नो मोर टोबैको कंजम्पशन एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। थैंक यू वेरी मच।